Grade 5, subject TVS, chapter by your name is Nation's Pride. It means country के लिए proud feel करवाने वाले कुछ freedom fighters के बारे में हम इस chapter में सीखने वाले हैं. So in the last video, I explain you about the national pride meaning and one story which our grandma tells to children. Ketun, Vatsa, Ayushya, Nani. And this is our part 2 of same chapter. This is our second video. Okay? So in this particular video, I'll explain to page number 19. On the page number 19, then grandma tells one more story to tell four children. So story starting me the Ketul, Vatsa, Ayushi and Nani. Okay? So grandma say, I shall tell you about the martyr. Yes, martyr is a new word for you. M-A-R-T-Y-R, martyr. So already meaning in your textbook, martyr is one who dies for the pride of his country. ऐसा इंसान जो अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने विलेज के लिए अपनी वो मर जाए. It means in short, हम इसको के सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं martyr means शहीद. Then one more meaning I write to here. A martyr is someone who chooses to sacrifice their life or face pain and suffering instead one more meaning. A martyr is a someone who chooses to sacrifice their life. It means ऐसे martyrs होते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश के लिए किसी को कुछ देने के लिए अपनी जान को भी sacrifice कर देते हैं. And life or face pain और बहुत सारा दर्द वरना face करते हैं. And suffering instead of giving up something. और उसको वो चीज देने के लिए वो अपनी बहुत सारी चीजों से बहुत सारे पेन से वो सफर करते हैं यानी कि गुजरते हैं. सो दादी माँ इट मीन्स ग्रैंड माँ टेल्स अबाउट द मार्टियर पूनम चंद पंड्या. पूनम चंद Pandya. He was born in 1905 and died in 1948. It means after the freedom, we got their independence in 1947. उसके एक साल के बाद इनकी क्या हो गई थी? डेट हो गई थी, मृत्यु हो गई थी. So now I start the story of Poonam Chand Pandya, Martyr Poonam Chand Pandya. It was the time when the Britishers were ruling in Meghraj village of Sabarkantha district. In the chapter number 4, during the chapter number 4, district chapter ka jo
हमारा नेम था, उसमें मैं आपको डिस्ट्रिक्ट के नेम बता चुकी हूँ। सो साबरकांठा इज द वन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन आर गुजरात। तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर था एक गांव मेघराज विलेज, एक विलेज था जहां पर ब्रिटिशर्स रूलिंग करते थे, रूलिंग मीन्स राज्य करते थे। एवरी ईयर द फेस्टिवल ऑफ होली वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फेवर इन द विलेज। वहां पर होली का त्यौहार बहुत अच्छे से खुशी से मनाया जाता था। इट्स विद समथिंग कुछ नए करते थे फीलिंग के साथ। Here the Britisher had a back blow in the village of Meghraj। वहाँ पर ब्रिटिशर्स का एक अलग ही back blow यानी कि गंदा सा कानून चलता था। The British official would make a statue named Laji। उन्होंने एक statue बना दिया था, statue का नाम था Laji। अब story सुना, Laji के पीछे उनकी क्या वजह थी, उन्होंने ऐसा नाम क्यों लिखा था British वालों ने। Which would be of a man not wearing any clothes. Again I am repeating. Which would be of a man not wearing any clothes. It means उस statue के ऊपर जिसको उन्होंने Laji का नाम दिया था British ने, then statue के ऊपर यानी वो man का एक statue था आदमी का, there is no cloth. उनके ऊपर कोई cloth नहीं थे। The statue would be put up in the village center. वो एकदम विलेज के सेंटर में वो स्टैचू को रखा गया था। एंड कस्टम सुना यानी वहां का रिवाज सुनना ब्रिटिश वालों जो लॉ निकाला था। इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर द विलेजर्स टू मूव अराउंड दिस स्टैचू ऑन डे ऑफ होली। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेघा विलेजर्स होली को बहुत अच्छे से मानते थे, फेवर फेस्टिवल था उनकी। एंड ब्रिटिशर human being owned by
अनादि। सैली मीन्स कंडीशन इन विच वन ह्यूमन बींग, इट मीन्स ह्यूमन बींग्स यानी आप और मेरे जैसे इंसान, ओन्ड बाय अनदर, दूसरे इंसान अलग एक दूसरे इंसान इंसान को खरीदते थे, ओन करते खरीदते थे। इट मीन्स इन शॉर्ट अनदर मीनिंग ऑफ सैली मीन्स गुलाम। तो द लॉ ऑफ ब्रिटिश सैली वॉज रिमूव, वो खत्म होना वो खत्म हुई थी। पुनामाचार टू पार्ट इन द फाइट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट। नॉट ओनली फेलियर ऑफ रिफ्यूज, नॉन कॉर्पोरेशन मीन्स उनका सहयोग ना देना, नॉन कॉर्पोरेशन यानी कि सहयोग ना देना। पुनामाचार ने इस फाइट में उन्होंने क्या किया था, पार्ट लिया था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। In order to free the country, Poonamchand went to the jail several times. And Poonamchand Pandya was part jail ki ja chuke the of this one freedom, sorry struggle for the freedom. And country ko freedom dilane ke liye usne bahut sa jail bahut baar jail bhi gaye the. To remember this patriot, his statue is there in Shri PSN High School. PCN High School. आज की डेट में टुडे इन द स्कूल ऑफ हाई स्कूल विच वन PCN द स्टैच्यू फॉर स्टैच्यू इज देयर, किसका स्टैच्यू, पूर्णमाचंद पंड्या। टू कीप हिज नेम इमोर्टल एट अ रोड इन दिस सिटी इज ऑल्सो नेम फ्रीडम फाइटर पूनामाचंद पंड्या रोड। उनकी इस सेक्रीफाइस से उन्होंने जो मार्टिर का शहीद हुए थे कंट्री के लिए, इस वजह से उनका उनकी वहाँ का जो रोड है मेगा विलेज का जो रोड है उसको किस नाम से बुलाया जाता है, फ्रीडम फाइटर पूनामाचंद पंड्या के नाम से भी ये रोड जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज टॉपिक। इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अबाउट एज नंबर 1991 that Poonamchand Pandya. Okay, so if you have any doubt and query, so you will ask me during the online lecture. Thank you and have a nice day.